हाय दोस्तों, आज मैं पितृ श्राद्ध की थाली बना रही हूँ। मैंने जो भी व्यंजन बनाए हैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने दूध रखा 1 लीटर, और एक तरफ मैंने चावल डाला है, बासमती का राइस है, ये बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने कद्दू लिया है, कद्दू कटिंग कर लेती हूँ, इसकी सब्जी मुझे बनानी है। आलू और कद्दू की सब्जी बनेगी है। कद्दू मैंने कटिंग कर लिया है, इसे धो लेती हूँ। धो के रख लिया है। यहाँ पे हमारा चावल भी हो चुका है। इसे ढक देती हूँ, और यहाँ दूध में उबाल आ चुका है दोस्तों। दूसरी तरफ कढ़ाई रखा, उसमें ऑयल डाला, जीरा डाला है, सौंफ डाला है, हरी मिर्ची कटिंग करके डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है, और आलू मैंने 2 कटिंग किए थे वो डाल दिया है। और यहाँ खीर में मैंने चावल डाल दिया है। खीर पक रही है। आलू भून चुका है। अब इसमें मैं कद्दू डाल दूंगी। सारे कद्दू मैंने डाल दिए हैं। अब इसे ढक देती हूँ 4-5 मिनट के लिए, और ये शक्कर मैं खीर में ऐड कर देती हूँ। और खीर को पकने देती हूँ। और यहाँ पे हमारी सब्जी भुन चुकी है। इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। पहले नमक डाल दिया है, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़े से गरम मसाला, बाकी कुछ भी नहीं डालूँगी। और अब मैं ढक दूंगी इसे। धनिया पत्ती डाल देती हूँ। सब्जी रेडी है दोस्तों, ये देख लीजिए। और खीर भी चेक कर लेती हूँ, खीर भी पक चुकी है। पर इसे पकने देती हूँ थोड़ा और। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल भिगोई थी रात में, वो पीस लेती हूँ। मिर्ची डाला है इसमें, और सारे उड़द की दाल मैं इसी तरीके से पीस लूँगी। इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ। हल्दी डाला है, नमक स्वाद के अनुसार, सारे मिक्स कर लिए हैं हमने। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब इसकी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। उलट पलट देती हूँ। ये उड़द की पकौड़ी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है दोस्तों। हमारे यहाँ तो श्राद्ध में यही बनता है, वैसे ही मैंने भी बनाया है। सारी पकौड़ियाँ इसी तरीके से तल लेती हूँ। पकौड़ी मैंने तल लिए हैं। अब मैंने बेसन लिए हैं, बेसन में हल्दी डाला है, और थोड़े से गरम मसाला, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पत्ती, तो थोड़ा सा इसे मिक्स करके छोटी छोटी पकौड़ी बनाऊंगी, जो हमें कढ़ी में डालना है। कढ़ी के लिए पकौड़ी मैं बना रही हूँ।
ये देख लीजिए, इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। और अब प्लेट में निकाल देती हूँ। और ये मैंने दही जमाए हैं, 3-4 चम्मच दही मैंने बेसन में ऐड कर देती हूँ। कढ़ी के लिए नमक डाल दिया है, इसे मिक्स करके इसका घोल बना लेती हूँ। अब कढ़ाई में डाला तेल, मेथी, सौंफ, जीरा और मिर्ची, धनिया, हल्दी इसी में मैं डालती हूँ। डालने से तेल में हल्दी अच्छे से पक जाती है। अब इसमें मैंने जो घोल बनाए थे बेसन के, वो मैं ऐड कर दिया इसमें। अब इसका उबाल जब आ जाएगा तो पकौड़ियाँ जो मैंने तली हैं कढ़ी के लिए वो डाल दूंगी। पकौड़ी मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। इसे धीमी आंच में इसी तरह से पकाना है। यहाँ पे मैं आटा सान लेती हूँ गेहूँ का पूड़ी बनाने के लिए। लोई बना लेती हूँ। यहाँ पे हमारी कढ़ी पक रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसे 15 मिनट लगातार पकाना है इसी तरीके से। और एक तरफ मैं पूड़ी तल लेती हूँ। तेल गरम हो चुका है। पूड़ी तल लेती हूँ पहले। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ मैं तल लूँगी। और यहाँ पे मैं खीर में तड़का लगा देती हूँ। घी डाला है 2 चम्मच, उसमें किशमिश डाल दिया है। और ये काजू बादाम है, मखाना है, सारे में डाल के तड़का लगाऊंगी खीर के अंदर। इलायची भी डाल दिया इसी में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके यहाँ कैसे बनते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। खीर भी हमारी रेडी हो गई है, तड़का मैंने लगा दिया है दोस्तों। अब मैं दिखाती हूँ, ये हमारी सब्जी, दही और चावल, कढ़ी, और ये उड़द की पकौड़ी, पूड़ी और खीर सारे बनके रेडी है दोस्तों। अब पितरों को भोग लगाएंगे, उनके लिए थाली में निकालेंगे सबसे पहले कढ़ी है, राइस निकाल दिया है, और ये सब्जी है, पूड़ी है, खीर, पकौड़ी, दही। ये हमारा पितृ पूजा की थाली रेडी है दोस्तों। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे बताना कमेंट करके।
फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।